हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी थाली की रेसिपी जो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है और बनाना बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है, ये थाली हमारी ग्लूटन फ्री है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। तो देर न करते हुए हम रेसिपी शुरू करें। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और हमने गैस पे चढ़ा दिया है कुकर, और कुकर में डाल देंगे हम एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप तेल की मात्रा ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि हम हेल्दी थाली बना रहे हैं तो वो खाने में भी स्वादिष्ट होनी चाहिए। और हम मिक्स सब्जी बना रहे हैं तो अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, हींग डालने से खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ता है। एक छोटी प्याज और दो हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। प्याज को हम सॉटे कर लेंगे और साथ में हम डाल देंगे हरा लहसुन, इससे खुशबू और स्वाद दोनों बहुत अच्छा आता है। और सभी चीज को हम अच्छे से मिला लेंगे और सॉटे कर लेंगे। अब हम डाल देंगे ये 3 से 4 टमाटर हैं। अच्छा, ये सब्जी जो मैं बना रही हूँ 4 मेंबर के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपने देखा 4 मेंबर्स के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी गरम मसाला। और इन सबको हम मिला देंगे। और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे इसमें और अच्छे से फिर मिला देंगे। और टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे और तब तक मसाले को भूनेंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये 3 तरह के हमने सब्जी ली है, गाजर है, आलू और फूल गोभी। ये 3 सब्जियां हमने ले ली है। और बैगन, तो मैंने एक छोटा गोभी का फूल लिया था, एक गाजर ले ली है, 3 छोटे आलू लिए हैं और 3 ही छोटे बैगन लिए हैं। इन सबको हम पहले मिला देते हैं। और साथ में हम पालक डाल देंगे। ये 1 गड्डी मैंने पालक धो के काट लिया था, अब इसको भी हम मिला देंगे। इस सब्जी को हम मिला देते हैं। और ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, आप विंटर में इसे बना सकते हैं। और अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। पानी जितना पालक में है और सब्जियों में है, उसी से ही हमारी सब्जी कुक हो जाएगी। तो ये मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और 1 सीटी आने देंगे बस, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि बाकी हम खोल के पका लेंगे। और जब तक कुकर में सीटी आ रही है तो मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी, तो उसके लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो ये 1 कटोरी मैंने पानी लिया है, जिस कटोरी से मैं पानी लूंगी उसी कटोरी से मैं आटा लूंगी। और पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो उबाल आ चुका है, अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए, कम कम डालना चाहे तो कम डाल दीजिए और ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डाल दीजिए। नमक मैंने मिला दिया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1.5 कटोरी मक्के का आटा डालेंगे। और आटे को हम मिला लेंगे। इस तरीके से हम आटा मारते हैं ना, तो मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। अब मिलाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके और इसे ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और जब तक आटा रेस्ट पे है और कुकर में सीटी आ रही है तो हम बथुए का रायता बना लेते हैं। तो हम जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। ये सारी रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब 1 घंटे में बनके तैयार हो जाएगी। तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप अगर लगातार करिए तो सारा खाना, 2 से 3 चीज़ें आपकी 1 घंटे में बनके तैयार हो जाती हैं। ये मैंने 1/2 किलो दही ले लिया और इसको हम फेंट लेंगे। अच्छा, बथुए का रायता हम बनाएंगे तड़के वाला, और दही हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच हम काला नमक डालेंगे। 1 चुटकी हम डालेंगे काली मिर्च
और आधा चम्मच डाल देंगे हम भुना जीरा। तो इन सबको हम मिला देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से मिला दिया है। और अब हम डाल देंगे इसमें बथुआ, जो हमने उबाल के और पीस के रखा था। तो बथुए को भी हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमारा इसमें तड़का बाकी है। तो चलिए, अब हम इसको तो रख देते हैं एक तरफ, और आटे को ले लेते हैं। तो आटे को हम इसमें से निकाल लेते हैं एक पराठा। तो ये मैंने सभी आटा निकाल लिया है। और इस तरीके से आप रोटी बनाएंगे तो आपका मक्के की रोटी बनाने का सफर बहुत आसान हो जाएगा। और अब हम इसे हाथ से मथ लेते। और इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क लेते हैं, ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। और अच्छे से नीट करिएगा। और ये देखिए, आटा हमारा लग के तैयार हुआ है। इतने आटे में 3 से 4 रोटियां बन जाएंगी। तो मैं लोई तोड़ लेती हूँ। तो ये 4 रोटियां हमारी बनके तैयार होंगी। अब हम चकला ले लेते हैं और ले लेंगे एक लोई, और इसको हम रोल कर लेंगे और लोई पे लगा लेंगे गेहूं का सूखा आटा। बस हमें इतना ही गेहूं का आटा लेना है। बस एक बार हम सूखा आटा लगा लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये आपके मक्के की रोटी बनके तैयार हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मक्के की रोटी बनाना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। और ये देखिए, मैंने आपके कठिन काम को बिल्कुल सरल कर दिया है। तो ये देखिए, हमारी रोटी बेल गई है। आप इसे चाहे बेल बेल के इकट्ठे एक प्लेट में रखते जाइएगा। तो मैं सभी रोटियां बेल के रख लेती हूँ। तो चलिए, अब हम सेक लेते हैं। तो गैस पर रख दीजिए तवा, तवे को गर्म होने दीजिए। तवा हमारा गर्म हो गया है और अब हम रोटी डाल देंगे। अब हम रोटी पलट देते हैं। ये देखिए, रोटी तज गई है, कितनी बढ़िया पीछे से तजी है। और इसमें हम दूसरी रोटी डाल देते हैं। और इसको जैसे हम गेहूं की रोटी सेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेक लेंगे। तो ये देखिए, मक्के की रोटी भी आपकी फूल गई है, इतनी बढ़िया फूल के तैयार हुई है। तो ये देखिए, मक्के की रोटी बनाना हुआ आसान। बिल्कुल फूली फूली रोटी आप बनाइए और घर में बड़ों को भी खिलाइएगा। और चलिए, अब हम दूसरी पलट लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं अभी सेक लेती हूँ। चलिए, रोटी सिक गई है और अब हम देख लेते हैं हमारी सब्जी तैयार हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, आपकी सब्जी तैयार है। और ये सब्जी आपकी ऐसी है जिसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर सभी चीज है। तो इस रेसिपी को आप हफ्ते में एक बार भी बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम रायते में भी तड़का लगा लेते हैं। गैस पर एक पैन रख लीजिए जिसमें आप तड़का लगाते हो। तो उसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। हम तेल मस्टर्ड ऑयल ही डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग रायते का मुख्य पार्ट होता है। और जीरा, और जीरा भी रायते में बहुत जरूरी होता है। और इन सबको हम मिला देंगे और डाल देंगे पिंच ऑफ लाल मिर्च। और गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। और चलिए, रायते में डाल देते हैं। तो ये मैं रायते में डाले दे रही हूँ और ढक के रख देते हैं 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट बाद अब हम इसे मिला देते हैं। तो ये देखिए, हमारा बथुए का तड़के वाला रायता तैयार हो गया है। तो चलिए, रायता हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम थाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम रायता परोस लेते हैं। तो ये मैंने रायता डाल लिया है। तो मैंने एक थाली ले ली है। थाली में मैंने रख लिया रायता। रायते के साथ रखूंगी मैं सलाद। सलाद में मैंने टमाटर, गाजर और मूली ली है। और साथ में हम सब्जी रख देंगे जो हमने तैयार करी थी। और रखेंगे हम मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी पे आप घी लगाना चाहें तो लगाइए, अगर नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइएगा। तो ये लीजिए, मैंने दोनों रोटियों पे घी लगा लिया है और हमारी हेल्दी थाली तैयार है। तो इसमें हमने ग्लूटन फ्री रोटियां रखी हैं और विटामिन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर सब्जी है। रायता तो हेल्दी होता ही है। और रखी है हमने बहुत सारी सलाद।
सलाद के माध्यम से हमें फाइबर मिल जाएगा। आपको अगर मेरी ये थाली की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके साथ हेल्दी रेसिपी शेयर करती रहूं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।